outer space. And I was sprung out from the earth. We laid down face to face. Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. I hope you all are doing well. So, आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल बिकॉज आज हम करने वाले हैं मेकअप. आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से आप भी हो कि आपको ब्लैक कलर का जो आई शेडो होता है वो ब्लैक सूट पे अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है. तो आज उसी बारे में अगर बात करें तो हम ब्लैक आई शेडो यूज़ नहीं करेंगे. मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लगता ब्लैक ज़्यादा. तो ब्लैक के ऊपर कोई ऐसा आई शेडो जो उस सूट पे भी निखर कर आए, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है अभी भी ऑलमोस्ट. तो देखते हैं आपको ये सूट आपको ये मेकअप अच्छा लगता है या नहीं. एंड ये मेकअप विदाउट फाउंडेशन एंड विदाउट कंसीलर ही होगा ताकि आपके बजट में भी रहे और जो लड़कियाँ फाउंडेशन यूज़ नहीं करती है वो भी इसको ट्राई कर सकें, जैसे आपने पीछे देखा अभी. तो फिर आगे बढ़ते हैं हम. अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फेयर एंड लवली, जो मैंने अपने हाथों पे लिया बिल्कुल कम अमाउंट में. और इसको आप अच्छे से अपने फेस पर लगाना, अच्छी जगह हर जगह लगना चाहिए आपके फेस पर. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है. ये थोड़ी ड्राई होती है बट ये आपके फेस पे अच्छे से लग जाती है. आप जैसे ही इसको अपने हाथों में लो, इसको फटाफट अपने फेस पे रब कर लेना आप, या तो थोड़े थोड़े डॉट्स भी लगा के अपने फेस से ब्लेंडर से कर सकते हो, बट मैंने अपने हाथों से बहुत ही जेंटली करा है. अगर आपके फेस पे किसी तरह के मार्क्स हैं तो आप बीबी क्रीम लेके उस जगह पे डॉट 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 करके ब्लेंडर से ब्लेंड करना अच्छे से, ताकि वो छुप जाए. तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग थोड़ा सा पाउडर वाइट कलर का, जो भी आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर हो उसको आराम से आप अपने फेस पर धीरे धीरे अपने आईज के नीचे, अपने चीक्स पर, हर जगह ब्लेंडर से या फिर ब्रश से उसको लेकर अपने फेस पे हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लगाना है, ताकि आपका फेस ज़्यादा वाइट ना हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा. आप रेड या वाइन कलर यूज़ कर सकते हो ब्लैक की जगह, बट मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर और रेड कलर को मिक्स करके, ऑरेंज और रेड थोड़ा थोड़ा दोनों को मिक्स करके अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ. पहले थोड़ा सा ऑरेंज, उसके बाद अब मैं रेड लूँगी, ऐसे ऐसे करके मिक्स कर रही हूँ ताकि वो एक अलग कलर फॉर्म होए और अच्छा लगे. अब मैंने यहाँ पर रेड लिया और रेड लगा रही हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा डार्क भी हो जाए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे. मैंने अपनी दोनों आईज़ में ये आई शेडो अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से आप लास्ट में थोड़ा डार्क कर देना. नेक्स्ट आई एम यूजिंग माई ग्लिटर आई शेडो पैलेट, जिसमें बहुत ही अच्छे कलर्स और बहुत ही अच्छे कलर्स आपको मिलेंगे, बट हमें इसमें ब्लैक नहीं, आप सिल्वर यूज़ कर सकते हो, गोल्डन यूज़ कर सकते हो. तो अभी मैं सिल्वर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने अपने ब्रश से लिया है, और आपको उसको थोड़ा थोड़ा अपनी आईज पे सिर्फ टैप करना है, हल्का हल्का. मैंने यहाँ पे अपनी दोनों आईज़ में ये वाला आई शेडो लगा लिया और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, देखो ऐसे ही आपको लगाना है और ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम. नेक्स्ट आपको लगाना है अपना फेवरेट आईलाइनर. आई एम यूजिंग लैक्मे आईलाइनर. अब मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा लिया और आईलाइनर के बाद ही आई शेडो की असली लुक आएगी. नेक्स्ट इज हाइलाइटर. आप कोई भी हाइलाइटर अपना यूज कर सकते हो, लिक्विड हाइलाइटर या फिर जो हाइलाइटर आपके पास हो, और उससे आप अपने चीक्स पर ऐसे हाइलाइट करना. इसके बाद अपने नोज पे बिल्कुल सीधा लेकर जाना, एकदम स्ट्रेट.
अब आप अपनी कोई भी फेवरेट लिपस्टिक लगा लेना, बट मुझे मिरर में देखना पड़ेगा लिपस्टिक लगाने के लिए, बिकॉज मैं बहुत कम लगाती हूँ। नाउ अप्लाई बिंदी, बिकॉज बिंदी के बिना आपका मेकअप पूरा नहीं होएगा। एंड सी द रिजल्ट इज सो फैंटास्टिक। So the makeup is done. I hope you all guys love it. So do share your reviews down below. We'll see you in my next video. Bye.